हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग भाई? आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो हमें पता है कि आप सब लोग थोड़ा हमसे नाराज़ होंगे, क्योंकि ये जो ब्लॉग आने में थोड़ा लेट हो गया, तो उसके लिए वेरी वेरी सॉरी कि हमें टाइम नहीं मिल पा रहा था। पिछले दो सप्ताहों में हमारे घर पे कुछ काम चल रहा था और हम भी थोड़ा अपने स्टडी में थोड़ा बिजी थे, इसकी वजह से हमें टाइम नहीं मिल पा रहा था हमने। और आगे से आपको टाइम से ब्लॉग मिलते रहेंगे, तो इसलिए आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो आपको हम बता दें, आज आप सभी को लेकर चलने वाले हैं एक ऐसे प्लेस पे जो कि हजारों साल पुराना है, और वो एक बौद्ध स्तूप है। तो अभी चलते हैं वहीं पर और वहाँ पर चल करके आप सभी से मिलते हैं। बारे में और कुछ ही बताएंगे आपको, जो कुछ भी हम जानते हैं या फिर हमने लोगों से ही पता किया। तो दोस्तों, हम जहाँ है ये जो है एक बौद्ध स्तूप है, और इसे बताया जाता है कि इसे सम्राट अशोक ने बनवाया था, और इसकी जो खोज है अलेक्जेंडर कलिंगन ने की थी 1880 में, और उसके बाद इसमें खुदाई भी की गई थी, जो कि खुदाई करने के बाद इसमें बहुत सारी मूर्तियां सोने की और कुछ सिक्के मिले थे। तो अभी चलते हैं उस साइड, और उस साइड चल करके और कुछ भी दिखाएंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे। और हम आपको बता दें कि जो इसकी ईंटें हैं और इसकी ईंटों की जो बनावट है पतली है और चौड़ी है, जो कि आप देख पा रहे हैं। और यहीं पर रख देते हैं, और इसकी हाइट अप्रॉक्स 32 फुट के अप्रॉक्स होगी। ये जो देख पा रहे हैं ये चबूतरा है, और ऐसे ऐसे चार बने हुए हैं इसे चारों साइड से, और ये जो कॉर्नर्स आप देख पा रहे हैं ये टोटल 52 के अप्रॉक्स है चारों तरफ से। और हम आपको चारों तरफ से दिखाने की कोशिश करते हैं। और ये जो स्तूप है ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर ही आता है, और इसकी जो साफ सफाई है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ही कराती है, यानी कि भारतीय पुरातत्व विभाग। और आपको दिखा दें कि अभी जो मेंटेनेंस का वर्क है ये अभी चल रहा है, और इसकी साफ़ सफाई अभी की गई है। तो अभी हम चलते हैं ऊपर, और ऊपर भी चल करके और कुछ भी दिखाएंगे आपको और कुछ भी बताने की कोशिश करेंगे। सबसे टॉप पे वहाँ पर चलकर और चीज़ें दिखाने की कोशिश करते हैं। और यही जो है इस के ऊपर चढ़ने का जो रास्ता है, जो कि आप देख पा रहे हैं उस साइड बेतिया पड़ता है, यहाँ से 25 किलोमीटर के आसपास है, और वहाँ पे आपको दिखा दें चलते हैं।